अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो जैसे आपने हाइलाइट्स से देख लिया होगा और टाइटल से पढ़ लिया होगा, फ्रेंड की बारात थी और उसके लिए जो है मैं रेडी होने लगी थी। सो ये है जी आउटफिट, और ये बाय द वे मेरी सिस्टर का आउटफिट है और यहाँ पे मैं आई हुई थी। सो बहनों के साथ जो है वो ऑब्वियसली बात आप शेयर कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते कपड़े। सो ये हैं झुमके, और सीन ये कुछ ऐसा बना था कि उसने इन्वाइट किया हुआ था लेकिन मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का। उसके दोबारा से मैसेजेस और कॉल आ रहे थे कि ज़रूर आना है, और उसके भी रिसेंटली जो है पेरेंट्स की भी डेथ हुई थी इसलिए जाना पड़ा। और ये है जी मेरी सिस्टर का ड्रेस, बातिक से इसने लिया था रिसेंटली, और इसका मैं अभी आके आप लोगों को एक पिक्चर दिखा देती हूँ कि इसकी प्राइजेस वगैरह क्या थी और सारा। ये बहुत ही प्यारा जो है बना हुआ है ड्रेसेस, क्योंकि आजकल शादी सीज़न है आप लोग भी ले सकते हैं। जी ये देख सकते हैं, मैंने अटैच कर लिया पिक्चर। ये 3 पीस है और आई थिंक 18 या 19,000 का लिया हुआ था, और आजकल इस पर सेल भी चल रही है जो बातिक का है पेज। और ये आप देख सकते हैं दुपट्टा बहुत ही मज़े का, और इस पर ये वो बने हुए ट्रीज बने हुए हैं। ये मेरी सिस्टर का हो गया ड्रेस। जी अब मैं रेडी होने वाली थी और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का जो है प्राइमर, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ और इसका मैं बता दूँ कि कैसा रिज़ल्ट था। और ये जी रिवाज यूके का जो है लॉन्ग लास्टिंग फिनिशिंग फाउंडेशन। और यहाँ पर जी मैं रेडी हो गई थी, मैंने थोड़े थोड़े कर्ल्स कर लिए थे और मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप्स बना लूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये आप देख सकते हैं थोड़े से लूज़ कर्ल्स बनाए। ये अब हम जी जाने लगे थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, और अब्बू जो है हमें छोड़ने जा रहे थे। और ये अभी जो आगे पहुंच के आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है। और ये थी शादी थी अस्करी 14 क्लब, जो अस्करी मार्की बनाई हुई है उन लोगों ने, वहाँ पे उनकी जो है बारात थी। हम वहाँ पे जा रहे थे और इनका सीन ये है कि जी रात के टाइम जो हैं गेट्स जो होते हैं वो ओपन जो हैं सिविल के लिए बहुत कम होते हैं, आप लोग जो आर्मी वाले होते हैं उनके लिए ओपन किए होते हैं। हम लोग जो हैं गेट जो है थर्ड गेट था वहाँ से हम एंटर हुए थे, और अभी हम एंटर हो चुके हैं। और काफ़ी अरसे बाद जो है अस्करी 14 आई थी, वैसे जब यूनिवर्सिटी जाती थी तब तो हम लोग पिक करने आते रहते थे। अभी हम लोग पहुँचेंगे और मैं आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड तक आपने वीडियो देखनी है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें जाके पहले। फाइनली वी आर हियर इन अस्करी क्लब, और अस्करी क्लब से जो है दूसरी ऑपोजिट साइड पे जो था अस्करी मार्की थी, और यहाँ से तो हम एंटर हो गए थे। रास्ते का हमें पता नहीं था, आगे गए हैं हम लोग और आगे से रास्ता जो है क्लब वाली साइड से बंद था। अभी हम लोग ये पूछ रहे थे कि यहाँ से रास्ता खुला हुआ है, हम लोग दूसरी साइड से वापस आए हैं और फिर हम लोग जो है मार्की वहाँ पे जाएंगे, अभी हमें पता नहीं था। बेसिकली इनकी जो अस्करी क्लब है और अस्करी मार्की है वो थोड़ी डिफरेंट जगहों पे है, पूछ पूछ के जो है रास्ता, क्योंकि रास्ता एक जो डायरेक्ट उधर ज़्यादा था वो बंद किया हुआ था। हम लोग जी फाइनली पहुँचने वाले हैं। ये है जी अस्करी मार्की, और माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, और यहाँ में फ़र्स्ट टाइम जो है कोई भी शादी अटेंड करने लगी थी। और ये हम लोग जी पहुँच चुके थे, और जो दुल्हन थी उस वो ब्राइड रूम था उधर हम लोग जाना था क्योंकि और भी जो है फ्रेंड से वो भी आई थी। अभी हम लोग जी जा रहे हैं ब्राइडल रूम में। ये पहुंच चुके हैं हम लोग ब्राइडल रूम में, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा नसीब अच्छे करे क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा जो है मतलब कह लें ऑब्वियसली बहुत है, जिनके माँ बाप नहीं होते उनको पता होगा, क्योंकि इसके जो भी रिसेंटली जो है अम्मी की भी डेथ हुई थी और आफ्टर 3 मंथ्स इसके अब्बू की भी डेथ हो गई थी। बहुत मुश्किल होता है मतलब एक लड़की के लिए, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये दिन आए और आपके माँ बाप ना हों तो
अल्लाह इसके आगे जो है नसीब बहुत 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 अच्छे करे। सो अभी हम लोग जो हैं पहुँच चुके थे हम लोग अपने टेबल पे, क्योंकि उधर जो है दूल्हा दुल्हन का जो है फ़ोटोशूट हो रहा था। सो हमने सोचा कि हम लोग अभी जाते हैं टेबल पे बैठते हैं हॉल में, और उसके बाद जो है इनकी एंट्री भी होने वाली थी। बाकी जो इसकी फ्रेंड्स थी वो भी हमारे साथ आई हुई थी सारी। अभी हम लोग काफ़ी लेट आए थे हॉल के अंदर, और फिर हम लोग जी अपनी जगह देख रहे थे कि कहीं पे जगह मिले और हम लोग बैठ जाएं। और इससे पहले जो है ब्राइडल रूम में थे, सो भी हम लोग बैठेंगे और इसके बाद जी ब्राइड की एंट्री होगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये चीज़ सबसे अच्छी लगी। माशाल्लाह शी लुक सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे जी खाना हम क्योंकि पहले पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे सारे, सो अब जी ये खाना हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो था हम लोग मतलब ब्राइड के साथ जो है स्टेज पे थे, और जो होता है शूट वगैरह पिक्चर्स वगैरह उसके अलावा सामने हमने सोचा हम लोग उसको दे दें और उसके बाद आराम से बैठ के जो है खाएँगे, और फिर उसके जो है सारे वो रस्में वगैरह हो रही थी। सो खाना जो है बहुत मज़े का था माशाल्लाह से। वो नजर आ रहा कौन डाइटिंग पे है भतीजा में तुम बड़ा कम किया उसने। उन्होंने खाना ले लिया था यार, कंट्रोल नहीं होता ना। वगैरह थे सारे डाइट डाइट की बात कर रहे थे, और अभी जो है हम खाना खाएंगे, और उसके बाद ज़्यादा वो क्लिप्स जो हैं वो ले नहीं सकी थी क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और ये आप लोग देख सकते हैं एंड पे जो रुखसती वाला सीन होता है, और हम वापस जा रहे थे। सो मैं यही कहूँगी बड़ा मुश्किल होता है एक लड़की के लिए अगर उसके माँ बाप ना हो, और बहुत बड़ा दिन होता है जिनकी शादी हुई है वही फील कर सकते हैं कि आफ्टर शादी जो है आपके पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है। सो बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, और ऑब्वियसली बात है उसकी कहते हैं ना शक्ल से ही लग रहा था कि कितना वो अपने माँ बाप को मिस कर रही है। सो यही है कि अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत बहुत अगली ज़िंदगी बहुत अच्छी करे। सो अभी हम लोग जी वापस जा रहे थे घर, और टाइम काफ़ी हो गया था, और बहुत अच्छा दिन रहा सबके साथ बातें करके मिल के, और एक गेट टुगेदर हो जाती है। और अभी जी हम लोग वापस जा रहे हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।